एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और साथ ही आपका यह रिजल्ट आता है तो क्या आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट यहाँ पर किस तारीख को आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या सर्च करना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2023 मनीष सिंह कुशवाहा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा सेम बिल्कुल आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। और नहीं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिंपली से आपको यही सर्च करना है। तो हम यहाँ पर इसे सर्च कर लेते हैं। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर नीचे आना, ठीक है। आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको ये लिंक देखने को मिलेगी मनीष सिंह कुशवाहा .com के नाम से, ठीक है। इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो सिंपली से आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि आपका यहाँ पर 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट किस तारीख को आने वाला, तो आपको ध्यान से सुनना है, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर इतने एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2023 के लिए 10वीं 12वीं सब कुछ आपको यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपका किस तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लेते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर फिलहाल अभी कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2023 समाप्त हुई है। अब इस समय पर एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की कॉपियां की जांच कर रही है और कॉपियों को जांचने में लगभग 3 सप्ताह का समय या इससे अधिक समय लग सकता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट आपके अगस्त के लास्ट सप्ताह में आपके यहाँ पर रिजल्ट आने वाला कक्षा 10वीं और 12वीं का पूरक परीक्षा की यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा का, ठीक है। आपका अगस्त के लास्ट सप्ताह में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको डेट तो पता, ठीक है, आपकी कन्फर्म डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन आपका जो चांस बन रहे हैं कि वो आपका रिजल्ट आएगा अगस्त के लास्ट सप्ताह में। और साथ ही आपको जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आ जाता तो आपको किस तरह से चेक करना है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं इसमें लिखा हुआ रिजल्ट चेक करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिंक देखने मिलेगी mpbsc.nec.in, इसी पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। आपको जो रिजल्ट आने वाला वो आपका अगस्त के लास्ट सप्ताह में आएगा, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट, चलिए आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट नोटिस के नाम से ये देखने को मिलेगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट है वो यहीं पर आने वाला। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा अगस्त के लास्ट सप्ताह में, तो आपके अगस्त के लास्ट सप्ताह में आपके यहाँ पर 2 न्यू लिंक ऐड हो जाएंगी 10वीं और 12वीं की यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2023 की, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2 न्यू लिंक ऐड हो जाएंगी जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह का आपका पेज आएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जो यहाँ पर लिखा होगा जो आपका मेन एग्जाम लिखा, मेन एग्जाम या आपका मेन एग्जाम का है, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। अभी आपकी लिंक नहीं ऐड हुई है, आपकी लिंक ऐड होंगी अगस्त के लास्ट सप्ताह में। और साथ ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर रिजल्ट आने के बाद क्या आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, उसमें आपको चांस है कि प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको सरकारी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए नामुमकिन सा रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर सरकारी स्कूल और कॉलेज की जो एडमिशन डेट रहती है वो आपकी निकल जाएगी, तो आप यहाँ पर सरकारी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप ले सकते हैं और कॉलेज में भी ले सकते हैं, चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।